यार कल तो मस्त जली होंगी प्रतीक बोराड़ी की। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। हाँ, प्रतीक बोराड़ी से बात करूँ तो देखो यार, वो एक ऐसा इंडियन रिव्यूअर है जिसको मनी हाइस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि यस, सबका अपना ओपिनियन होता है, किसी को पसंद आती है, किसी को पसंद नहीं आती है। लेकिन जो तुमने अपने वीडियोस में वेरियस रीजंस बताए कि भाई मनी है इसमें, जितने भी वो रॉबर्ट्स कैरेक्टर्स है उनको अच्छा बताने की कोशिश की, उनको विक्टम बताने की कोशिश की, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखो पुलिस वालों ने, गवर्नमेंट ने हमको फंसा दी, हमको पकड़ ली, तो इसलिए हमको बचा लो। मतलब यार वो इस तरीके की बातें करे जैसे कि मूवी मेकर्स ने हमें गलत बताने की कोशिश की है, ठीक है। लेकिन जो तुम अपने वीडियोस में करते हो, जितने भी तुम मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यूज करते हो, उसमें तुम किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करते हो, फालतू के एजेंडा मूवीज में ढूंढने लगते हो, पॉलिटिक्स घुसेड़ते हो, और आपके मोस्टली हर वीडियोस में कुछ ना कुछ हेटरेट छुपी ही होती है, तो वो सिर्फ चीज क्या है? मतलब आपके लिए तो वही एग्जांपल है कि हम करें तो चमत्कार। और फिर अब बात करेंगे मनी है सीजन 5 के ट्रेलर की, तो देखिए यार इस वॉल्यूम 1 में हमें 5 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसकी ओवरऑल लेंथ ऑलमोस्ट 60 मिनट की हो सकती है, 45 से 60 मिनट की हो सकती है, चांसेस है और भी ज्यादा होने की। ट्रेलर बहुत ही गजब का लगा मुझे, और एक चीज ट्रेलर की सबसे अच्छी लगी, किसी के साथ कुछ हो या ना हो, गांडिया की हमें पूरी तरह से बजानी है। गांडिया वही है जिसने नैरोबी को मारा था, और ट्रेलर में आप लोग देखोगे तो दो सीन है, एक जगह पे टोक्यो गांडिया को लात मारते नजर आती है, और दूसरे सीन में, लास्ट सीन में, गांडिया को आर्मी के सामने सेलो टेप मार के बाहर भेज दिया जाता है, तो ऑब्वियसली शायद उसके आगे बॉम्ब लगा के भेजा होगा। तो अब देखते हैं कि गांडिया की किस तरह से यहाँ पर डेथ होगी। इतना तो श्योर है कि नैरोबी जैसे इतने लवेबल कैरेक्टर को, जिससे हर एक की एक फीलिंग जुड़ गई थी, अब उसको किसी एक कैरेक्टर ने मारा है, तो ऑब्वियसली उसकी डेथ तो बहुत ही भयानक होगी। और देखते हैं गांडिया की डेथ इस शो में किस तरह से होती है। उसके लिए जो दूसरे कैरेक्टर्स है जो कि अंदर फंसे हुए, और आप लोगों को पता होगा भाई लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में एलिसिया ने प्रोफेसर को पकड़ लिया था, तो अब ऐसे में प्रोफेसर वहां से कैसा बच के निकलेगा वो बहुत ही सवाल है। लेकिन प्रोफेसर के लिए एक चीज मैं बोलूंगा कि लोग नींद में सो जाते, सपने देखते, लेकिन प्रोफेसर ऐसा बंदा जो नींद में भी 2 दिन आगे चलता है। अब सबके पास प्लान ए प्लान बी होता है, लेकिन प्रोफेसर एक ऐसा बंदा जिसके पास प्लान बी प्लान सी प्लान डी प्लान ई सब कुछ होता है, क्योंकि प्रोफेसर के साथ कहीं ना कहीं बर्लिन जुड़ा हुआ था। और बर्लिन के लिए तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बिना टाइम ट्रेवल मशीन से उसने कुछ ऐसे प्लान बनाए जो देखकर ऐसा लगता है कि भाई बंदे ने फ्यूचर देख लिया हो। और इसी वजह से बर्लिन के डेथ होने के बावजूद भी हर एक सीजन में हमें बर्लिन देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि एक कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। इसके अलावा आप सभी लोगों को पता है कि ये कोई हाइस्ट नहीं है, अब ये एक वॉर हो गई है, और अब इनका मुकाबला पुलिस वालों से नहीं बल्कि आर्मी वालों से, और आर्मी वालों से लड़ना इतना आसान नहीं। तो ऐसे में अब ये रॉबर्ट्स किस तरह से यहां से बाहर निकलते हैं, जिंदा या मुर्दा, ये देखने लायक होगा। और क्या वाकई में प्रोफेसर एलिसिया से बच के निकलेगा और अपनी टीम को दोबारा से बचाएगा, ये सब कुछ देखने लायक है। बहुत ही गजब का इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है, देखना है कि आगे होता क्या है। इसके लिए तो हमें 3 सितंबर का ही वेट करना है। फिलहाल आप लोग कितने एक्साइटेड हो मनी है सीजन 5 के लिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और यस, प्रतीक बोराड़े को हम लोग एक और रिप्लाई देंगे, लेकिन शो के रिलीज होने के बाद। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से साइन ऑफ।